मामला? ये फैक्ट्री गोदाम और फैक्ट्री है पटाखा की, वहाँ पर सुबह विस्फोट हुआ है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक 59 लोग इंजर्ड होने की हमें सूचना मिली है और अभी कंटिन्यूसली रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सर डेथ की क्या कन्फर्म है अभी तक का? 6 डेथ की हमें रिपोर्ट मिली है। प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है सर इन घायलों को कहाँ कहाँ? घायलों को हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी उपचार करा रहे हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हम भोपाल और इंदौर भी रिफर कर रहे हैं। और आसपास से एम्बुलेंस वगैरह क्या क्या बुलाई? बाकी आसपास के जिलों से हमने एम्बुलेंस और ये फैक्ट्री गोदाम और फैक्ट्री है पटाखा की, वहाँ पर सुबह विस्फोट हुआ है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक 59 लोग इंजर्ड होने की हमें सूचना मिली है और अभी कंटिन्यूसली रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सर डेथ की क्या कन्फर्म है अभी तक का? 6 डेथ की हमें रिपोर्ट मिली है। प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है सर इन घायलों को कहाँ कहाँ? घायलों को हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी उपचार करा रहे हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हम भोपाल और इंदौर भी रिफर कर रहे हैं। और आसपास से एम्बुलेंस वगैरह क्या क्या बुलाई? बाकी आसपास के जिलों से हमने एम्बुलेंस और ये फैक्ट्री गोदाम और फैक्ट्री है पटाखा की, वहाँ पर सुबह विस्फोट हुआ है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक 59 लोग इंजर्ड होने की हमें सूचना मिली है और अभी कंटिन्यूसली रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सर डेथ की क्या कन्फर्म है अभी तक का? 6 डेथ की हमें रिपोर्ट मिली है। प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है सर इन घायलों को कहाँ कहाँ? घायलों को हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी उपचार करा रहे हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हम भोपाल और इंदौर भी रिफर कर रहे हैं। और आसपास से एम्बुलेंस वगैरह क्या क्या बुलाई? बाकी आसपास के जिलों से हमने एम्बुलेंस और फायर